कुछ घंटे पहले मुझे प्रभजोत के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। जब पता चला था काफ़ी शॉक लगा था। उसके बाद हर मिनट हम अपडेट ले रहे हैं कि काठमांडू में क्या हो रहा है। तो अभी प्रभजोत स्टेबल है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन कुछ लोग व्यूज़ के लिए ना इतना गंदा गंदा बता रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं। ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, क्यों ऐसे कर रहे हैं? किसी के एक्सीडेंट पे व्यूज़ ले रहे हैं, किसी के ऐसे तकलीफ़ को क्यों करते हैं? मतलब इतना गिरे हुए ज़िंदगी में सोचो, तुम्हारे ऊपर जब बीतेगी तो क्या लगेगा? तो बाबा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अप टू डेट है सब कुछ। तो बस दुआ करें कि सब कुछ सही सलामत हो जाए, जल्दी रिकवर हो जाए। बाकी जितने भी लोग ये सब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान में दीजिए। हेलो जी, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि जट प्रभजोत के बारे में अपडेट दें, अपडेट हम आपको सही देना चाहते हैं, कोई भी गड़बड़ या ऐसे फेक न्यूज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फेक न्यूज़ दे रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग थंबनेल टाइटल बना के इस तरीके से मतलब क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना कैसे भूखे हो सकते हैं व्यूज़ के लिए? किसी की ज़िंदगी का सवाल है। बाकी अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है, कंडीशन कंट्रोलेबल है। जो भी अपडेट होएगी आपको सही न्यूज़ देना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली थी, पर अभी ऑपरेशन चल रहा है उसका, और मैं उनके फैमिली के सबके टच में हूँ। जो भी अपडेट होएगी वो आपको दी जाएगी, और प्लीज़ कोई भी फेक न्यूज़ पर आप बिलीव मत करें। जो भी होएगा, अगर शाम को हमारे को लगेगा कि नेपाल पहुँचना है तो नेपाल पहुँचेंगे, अगर हमारे को लगेगा कि दिल्ली उसको लाया जाएगा दिल्ली पहुँचेंगे। जो भी अपडेट होएगी आपको दी जाएगी, तो आप प्लीज़ फेक न्यूज़ से थोड़ा सा बचें, और जो भी फैला रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे दिमाग से काम लो यार, किसी की ज़िंदगी का सवाल प्लीज़। बाकी आप प्रे करते रहिए, मुंडा अपना चीता हो जाएगा ठीक।